चुनाव के इन मौके पर मुस्लिम वोटर अक्सर पार्टियों को याद आते हैं। रीवा में भी अगर हम मुस्लिम वोटरों की बात करें तो 25,000 से अधिक यहाँ पर वोटर हैं, जिनको लुभाने के लिए एक तरफ तो कांग्रेस तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने पत्ते खोल रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर सेंध मारने का पूरा प्रयास किया है। ऐसे में ये वोटर किस तरफ रुख लेगा, आइए जानते हैं मुस्लिम मतदाताओं से उनकी जुबानी। क्या लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अपना प्रत्याशी उतारी है, कांग्रेस भाजपा, क्या लगता है आप लोग किधर जाएंगे? ये सर, कांग्रेस को वोट काटने के लिए पहले मनमा सोनी को उतारा गया, उसके बाद एन मौके का अमैया से फ़ोन किया तो कासिम खान आ गया, सिर्फ मुस्लिम जो वोट है उनको डिवाइड करने के लिए। लेकिन अब की बार हम लोग ने मन बना लिया है, पूरा पंजाब में वोट दूंगा। पूरे मुसलमान 15 साल से मामा को देख रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। 6-6 गाय नगर नगर गाड़ देते हैं, आधे से लापता रहता है, कोई हल्ला नहीं। कांग्रेस मंगू लोग बेचारे आते हैं। भाजपा से वर्तमान में यहाँ पर जो क्षेत्रीय मंत्री है उन्होंने कई सारे विकास के काम यहाँ पर किए हैं, क्या लगता है आपको कि वो रीवा शहर के अंदर मुस्लिम को पहली टिकट होनी चाहिए, वरना देश के साथ तो गद्दारी किया है कांग्रेस ने के एक हिंदुस्तान को भगा के पाकिस्तान बना दिया, एक बांग्लादेश बना दिया, क्या मतलब है? सब तो हैं हिंदुस्तानी आदमी। बिल्कुल, एक तरफ भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो दूसरी तरफ उन्हीं मुसलमानों को लुभाने के लिए वो वादे करती है, क्या लगता है आपको ये वोटर किसके तरफ जाना चाहिए? हमको हमारा मतलब ये है कि बदलाव होनी चाहिए, बस बदलाव होना चाहिए। आपको यहाँ पर विकास किस तरह से दिखाई दे रहा है कि जो काम हुए हैं वो विकास के मायने? विकास के मायने हम कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं, वरना हमारे पास दो ही बात है कि यानी बदलाव होनी चाहिए। विकास सर रानी तलाव का हुआ, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मतदाताओं का रुख किस तरफ होना चाहिए? ये मतदाता जाने चाहिए, मतदाताओं का रुख जो है कोई आदमी नहीं जान सकता है। ये जिसके जो भी कैंडिडेट प्रत्याशी अगर खड़ा होता है, जो काम करता है आदमी उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देता है, और जो काम किया होगा उसको हम वोट देंगे। स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल 15 वर्षों से रीवा में है, क्या लगता है आपको कि उन्होंने विकास यहाँ पर नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो किया है, सब किया है। और अब ये कहिए कि अब हम जो चाहें कि अब वो ये करिए वो करिए, तो ऐसा थोड़ी होता है, सब होता है, विकास होता है, सब होता है, ये है। लेकिन जनता का रुख जो है जैसा जाएगा, जैसा वोट देगा। रीवा में 25,000 मतदाता हैं और वर्तमान में अगर देखें तो यहाँ पर 3 मुस्लिम प्रत्याशी हैं जो मैदान में है विधानसभा रीवा में। आइए एक प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि मैं अजीज खान रीवा विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। क्यों मैदान में उतरना पड़ा, क्या कमी रही कि यहाँ पर? भाई बीजेपी जो काम कर रही है वो केवल पैसे के लिए कर रही है। मंत्री जी एक रोड को 3 बार 4 बार 5 बार उसी रोड को बनाते हैं और सारा पैसा अपने घर ले जाते हैं। आप रीवा का भी नाम बदलने की साजिश चल रही है, सौंदर्य नगर इसको बना देंगे, इसको रीवा को अब सौंदर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि रीवा में सौंदर्य के नाम से जाना जाएगा अब रीवा? इसलिए कि देखिए, इन्होंने विकास रोड के लिए जैसा भी प्रत्याशी जी ने कहा कि रोड बनाया है, ठीक है, एक बार नहीं उस रोड को 3-3 बार बनाया और पैसा विकास में नौकरी बच्चों के, आज मुस्लिम के भी बच्चे क्वालिफाई हैं, पढ़े हैं, उनको कोई नौकरी नहीं है, कोई उनका कोई जरिया नहीं है। और जो भी इन्होंने बनाया है विकास के नाम पर, वो दुकानें और बिल्डिंगें, क्या लोग बिल्डिंग में रहेंगे? और रहने के लिए उनको पैसे चाहिए, तो वो पैसा आप लाएंगे कहाँ? जब कोई नौकरी नहीं है यहाँ पे, और कोई फैक्ट्रियाँ नहीं डाली गई हैं कि जो यहाँ के बच्चों को नौकरी दी जाए, यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो भी फैक्ट्रियाँ थी वो भी और बंद हो गई हैं, तो क्या विकास है? रोड का विकास माना जाए क्या, बिल्डिंगों का या दुकान का? बदलाव तो होना चाहिए जी। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ विकास के मायने किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा। नाम क्या है आप बताइए? जी नसीम अंसारी। क्यों, क्या कमी है कि रोजगार आपको नहीं मिल पा रहा? क्या बताया जाए, आदमी पढ़ता लिखता है, सारी चीज़ें करता है, मगर नौकरी नहीं मिलती।
क्या बताएं, कैसी सरकार होना चाहिए जो आपको रोजगार दे? सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो गरीबों को और सबको सोच समझे और फिर करे वो चीज़, लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए, उनको नहीं समझती। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अपना नाम बताइए, क्या समस्या है? 15 लाख कहाँ हैं? 15 लाख कहाँ हैं? अकाउंट पे आना था ना, कहाँ है? आप दिखाइए, आपने कहा था कि 15 लाख देने वाले हैं, हम कहाँ है वो? शायद दर्शक नहीं समझ पा रहा कि किस 15 लाख की आप बात कर रहे हैं, खुलकर बताइए। उसी जुमले की बात कर रहे हैं जो आपने जुमला कहा था, बीजेपी की जुमले की बात कर रहे हैं, हैं कि जब 15 लाख मैं दे रहा हूँ, कहाँ है वो? जब जब चुनाव आता है तो एक ही मुद्दा आता है, राम मंदिर, ठीक है ना? उसके अलावा क्या मुद्दा आपके पास? बात वही है, तो बच्चा कोई नहीं है। कांग्रेस के पास क्या है? आप खाली उनको कोसो। क्या मानते हैं कि सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए भाजपा जुमले फेंकती है? वैसे भाजपा ठीक काम करी सर, अस्पताल में दवाई देती है, है? और सब व्यवस्था है। कांग्रेस में दवाई नहीं मिलती थी, प्राइवेट सब डॉक्टर देखते नहीं रहे। बिल्कुल, यहाँ पर एक सुपर स्पेशली हॉस्पिटल भी बन रहा है, क्या लगता है आपको कि उससे कुछ यहाँ पर फायदा होगा? ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये तमाम चीज़ें बात की है। आप चुनाव की जो बात कर रहे हैं तो चुनाव में इतना ही कहूँगा कि 30 साल पहले के भारत को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है? जातिवाद इतना ज़ोर पकड़ गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि इसमें चुनाव कहीं नज़र आता नहीं है, ना ही कोई प्रत्याशी सही अपनी जगह नज़र आता है। हम ये समझने में बहुत परेशान हैं कि ऐसे हालात में वोटर क्या करे। और इस तरह अगर आप सोचो कि किस तरह इलेक्शन जाएगा, तो ये आज अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। आप अपना अंदाज़ा, अपना माइक लेकर मेरे सामने खड़े हैं, मैं क्या कहूँ आपसे? यहाँ तो एक पल में सब कुछ बदल जाता है, और इतने पहले आप 16-18 दिन पहले ये पूछ रहे हैं कि रुझान किधर है, कुछ नज़र नहीं आता। क्योंकि इस तरह का चुनाव की जो नीतियाँ हैं इतनी ख़राब हो गई हैं कि इसमें काम करना बहुत मुश्किल है, और कुछ कहना या सुनना ये भी बहुत मुश्किल है। ये है कि इस वक्त पर जो भी जैसा भी बन पड़ेगा, जिस तरह भी अच्छा लगेगा, वो काम हर इंसान करेगा, हर आदमी करेगा। भाजपा 3 तलाक लेकर आई है, क्या लगता है कि ये मुसलमानों के हित के लिए है या फिर? बिल्कुल नहीं, ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है कि 3 तलाक वो भाजपा लेकर आई है। और इसमें विरोध भी है, औरत लेडीज़ों का भी और जेंट्सों का, हमारे यहाँ के उलमाओं का भी। क्योंकि मेरा कुरान जो कहता है, हमारे सरवर कायनात जो कहते हैं अल्लाह के रसूल, उस पर हम लोग कायल रहेंगे। और इस ये 3 तलाक का उनका कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारा है, हमारा पर्सनल इस्लाम है। मैं जान उसमें अपने इस्लाम को मानता हूँ, इसलिए इस 3 तलाक को ये जो लेकर आए हैं ये गलत है, इनको इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। बीजेपी सरकार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बांटने का काम कर रही है, क्या लगता है आपको कि उनका काम ठीक है या फिर कुछ गलत करने जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा गलत है, उसमें गलत तो इतना ज़्यादा है कि जिसकी बयान नहीं किया जा सकता। उसको केवल धर्म और की राजनीति करना है, केवल मुस्लिम और हिंदू को अलग करना है, उसी की राजनीति करना है। तो हम तो मुसलमान भाई से यही कहेंगे, एकजुट होकर एक साथ में, किसी के साथ भी रहे एक साथ रहें। अब कांग्रेस का भी काम यही है, कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्ट है, पूरी तरह से कांग्रेस भ्रष्ट है। उसी के साथ लोग रहेंगे तो वो भ्रष्टाचारी और बढ़ेगी। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, गुंडा राज चल रहा था, वही गुंडा राज कांग्रेस की सरकार भी आएगी तो वही होगा। क्या लगता है कि यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ और कांग्रेस अगर आती है तो फिर वही दिन आ जाएंगे? ये तो देखिए, आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है? अब ये प्रत्याशियों के ऊपर निर्भर है, लेकिन जो भी शासन करता है वो सबको मिल करके ये अच्छे से ही शासन करना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए, है? ये नहीं कि यहाँ आए 15 अगस्त को भाषण दिया, कहा कि 30 लाख रुपए यहाँ के लिए गरीबों को मुफ्त दवाई और वो ये दी जाएगी फलाने, ये बोर्ड लगा हुआ है, मंत्री जी ने बोर्ड लगा है, और 10 लाख रुपए कब्रस्तान को वहाँ के ये बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, फलाने ठिकाने के लिए है, कुछ नहीं। अब चुनाव आ गया, घोषणा हो गई, ये सब चला गया। भाजपा के पास केवल जुमलेबाजी का काम है, कोई काम नहीं, नहीं जमीन में कोई काम नहीं। मस्जिद के कई एकड़ जमीन हड़प ली गई है और वहाँ पर आलीशान मकान है इस समय।
किया है, क्या लगता है कि अमैयम है ये तो राजनीति में चल रहा है, पार्टी के आदमी हैं सब, अपना राजनीतिक चल रहे हैं और हड़पे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। जैसे तीन तलाक का मुद्दा हो तो देश भर में सुर्खियों में है और वो मुसलमानों का मानना है कि वो उनके हित पर नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? हम हिंदुस्तानी का ये नारा हो, पाकिस्तान बांग्लादेश सब हमारा। हमारे साथ अनिल जी भी मौजूद हैं जिन्होंने रीवा की राजनीति को बारीकी से देखा है, उन्होंने पिछले कई चुनावों को यहाँ पर कवर किया और उन्होंने अलग अलग नतीजे, चौंकाने वाले जो नतीजे आए हैं उसको भी देखे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वर्तमान का परिवेश यहाँ पर बन गया है, प्रदीप साहब को दिखाई देता है। जी विजय जी, वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं, भाजपा दावा कर रही है हमने विकास किया, बेशक उनका दावा कुछ हद तक सही है, बिल्डिंग बनी, माल बनाया, सड़क बनाई, लेकिन जो वस्तुतः जो क्षेत्रीय स्तर पे स्लम एरियाज में हैं, जो छोटे स्तर हैं, छोटे वार्ड्स हैं, वहाँ पे विकास अभी नहीं हो पाया है, जैसा लोग बता रहे हैं, जैसा पूरी टीम के सामने लोग बयां कर रहे हैं, उससे नहीं लगता है कि लोग संतुष्ट हैं विकास से अभी। इसीलिए कई जगह आपने देखा होगा लोग बदलाव की बात करने लगे हैं, कांग्रेस ने नारा भी दे रखा है वक्त है बदलाव का, तो उसका जोर थोड़ा सा दिखा है। लेकिन भाजपा ने जो अपना एजेंडा बनाया है कि हम विकास कर रहे हैं, उनकी बात भी कुछ हद तक सही नज़र आती है, लेकिन जनता अभी जब माने विकास तब ना। क्या लगता है कि किस तरह का काम होना चाहिए जो विकास के मायनों पर खरा उतरे? भाई जैसे अपन अभी लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि स्लम एरियाज में मीठा पानी अभी तक लोगों के इलाके में नहीं पहुंचा है, नगर निगम दावा कर रहा है कि हमने मीठा पानी पहुंचाया, लेकिन अभी बिछिया के कई इलाकों में मीठा पानी नहीं पहुंचा, अभी उपरहटी में नहीं पहुंचा, तरहटी के कई इलाकों में मीठा पानी नहीं पहुंचा, तो लोगों में कहीं ना कहीं दर्द है। लोगों को जो वायदे किए गए थे, अभी भाजपा उन वायदों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पा रही, इसलिए लोगों का गुस्सा दिख रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि क्या कमी हो गई जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं की? भारतीय जनता पार्टी ने पुराने रीवा में कोई विकास काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने समदड़िया का विकास किया है और जो भी थोड़ा बहुत उधर समदड़िया मॉल, होटल, और पुराने रीवा में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है। जितना कांग्रेस के ज़माने में था वही है पुराना रीवा, पुराने रीवे में कोई परिवर्तन नहीं है। क्या लगता है कि 15 वर्ष पहले जो रीवा था वही रीवा आज भी है? जी 15 वर्ष पहले जो रीवा था वो रीवा नहीं है, उसमें बहुत से सड़कें हैं, बिल्डिंगें हैं, जैसे समदड़िया माल हो गया, सिरमौर चौराहे के पास ओवर ब्रिज हो गई, विकास तो इनमें हुआ चलने लायक। लेकिन जो हम नौयुवा हैं उसमें रोजगार का कोई मतलब पहलू नहीं किया गया। हमारे श्रम यहाँ अभी आपके क्या कहते हैं गुड़ के पास सोलर प्लांट लगा है, अगर ये हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी अगर चाह लेते तो कम से कम 200,000 नवयुवकों को वहाँ नौकरी मिल जाती, वहाँ काम में लग जाते, उनको रोजगार मिल, ऐसा कुछ भी 15 साल के अंदर नहीं हुआ। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर 15 वर्षों तक क्षेत्र में विकास कार्य के कई वादे किए जा रहे हैं लेकिन जमीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रोजगार का मसला यहाँ पर अहम है, क्यों, क्या कमी मानते हैं आपकी रोजगार किस तरह? रोजगार के क्षेत्र में भाजपा सरकार ने काम ही नहीं किया, केवल बिल्डिंग बनाओ, सड़क बनाओ, फिर उसी को तोड़ो, फिर बनाओ, यही काम हुआ है यहाँ। जो ये सोलर लाइट की प्लांट अभी भाई बोल रहे थे, ये बहुत सही बात कह रहे थे, सोलर लाइट में यदि यहाँ के रोजगारों को अवसर दिया जाता, जैसे दे दिया जाता कि भाई 20% रीवा के ही लोग रहेंगे, तो बहुत से लोग यहाँ रोजगार में लग गए होते, क्योंकि बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया होता युवाओं को। यहाँ का युवा दर दर भटक रहा है रोजी के लिए और यहाँ रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ इन 15 सालों में भाजपा की सरकार में। इसलिए रीवा में 15 वर्षों तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से आज भी शहर वंचित है। यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली जैसी कई समस्याएं हैं, रोजगार एक अहम मुद्दा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, युवा परेशान है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में यहाँ का वोटर किसके तरफ जाता है, भाजपा के तरफ या फिर कांग्रेस के हाथ में, या फिर हाथी का दामन थामता है, यह देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए रीवा दर्शन, अगले नुक्कड़ में फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।